क्या क्रिकेट में आज रचा जाएगा इतिहास? क्या भारत के खिलाफ कंगारुओं की होगी सबसे शर्मनाक हार? जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। यदि भारतीय टीम यह मैच जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर देगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने घर में ऑस्ट्रेलियाई टीम को वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी है। 3 मैचों की वनडे सीरीज के 2 मुकाबले हो चुके हैं जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। यदि इस मुकाबले में भारतीय टीम जीतती है तो इतिहास रच देगी। साथ ही भारत के खिलाफ किसी द्विपक्षीय वनडे इंटरनेशनल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की यह सबसे शर्मनाक हार होगी। दरअसल तीसरा मैच जीतने के साथ ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मौजूदा सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर देगी। अगर ऐसा होता है तो क्रिकेट इतिहास में या अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। भारतीय टीम क्रिकेट इतिहास में पहली बार 2 या उससे ज़्यादा मैचों में किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप से हराएगी। बता दें कि 1984 से अब तक भारत ने कभी भी 2 या उससे ज़्यादा मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप नहीं किया है। अगर बात की जाए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक कुल 14 वनडे सीरीज हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया 8 तो वहीं भारतीय टीम को 6 सीरीज में जीत मिली है। अगर वहीं भारत में दोनों टीमों के बीच हुई अगर वहीं भारत में दोनों टीमों के बीच सीरीज में हेड टू हेड देखें तो अभी तक दोनों के बीच 11 सीरीज खेली गई है। जहां ऑस्ट्रेलिया ने 6 सीरीज अपने नाम किया है तो वहीं भारतीय टीम ने 5 सीरीज में जीत हासिल की है। आप सोच सकते हैं कि भारत में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा लगातार रहा है, लेकिन अब की भारतीय टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया उससे ऑस्ट्रेलिया जो है वो वाकई में पस्त होती दिखाई दे रही है। वहीं भारत के लिए एक समस्या बनी हुई है क्योंकि भारतीय टीम पर वायरल फीवर की अटैक से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। इस तीसरे मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया है। रोहित ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट वनडे में 5 खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। 5 खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस समय वायरल फीवर से जूझ रही है, साथ ही कुछ खिलाड़ी घर गए हैं। तीसरे वनडे में प्लेइंग 11 में चुनने के लिए केवल 13 ही खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। अच्छी बात यह है कि शुरुआती 2 मैचों में आराम करने वाले कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और कुलदीप यादव की वापसी हुई है। सुमन गिल आराम करेंगे, अक्षर पटेल चोटिल हैं, जबकि शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या घर चले गए हैं। रोहित ने कहा टीम में इस समय वायरल चल रहा है, इसलिए इस टीम में काफ़ी अनिश्चितता बनी है जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यानी कि आप साफ तौर से कह सकते हैं कि इंडिया के लिए जो ये वायरल फीवर चला है इसमें कुछ ना कुछ परेशानियों का सबब है। आप साफ तौर से कह सकते हैं कि आपके पास केवल 13 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको आप प्लेइंग 11 में चुन सकते हैं। टीम इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, वर्ल्ड कप से पहले हर कोई चाहेगा कि टीम इंडिया में सब कुछ बढ़िया रहे। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया जिसको हम बोलते हैं कि चढ़कर खेलना वो दिखाया है, ये काफ़ी एक आप ये भी कह सकते हैं भारतीय टीम के लिए, भारतीय प्रशंसकों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। आपने देखा होगा 2019 में जिस तरीके से इंग्लैंड पहले ही ओवर से चढ़कर खेलती थी, उनका मानना था कि अगर हम ऑल आउट होते हैं तब भी हम अगर चढ़कर खेलेंगे स्टार्टिंग से तो 350 या 450 के करीब पहुँच जाएंगे। और वही काम आज की डेट में भारत भी कर रही है। कल हुए आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो मुकाबला हुआ, इंग्लैंड टीम ने उसमें एक खासा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इंग्लैंड की टीम पावर प्ले में वनडे क्रिकेट में 109 रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम हो गई। आप सोच सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम किस तरीके से स्टार्ट करती है, किस तरीके का पावर प्ले का फायदा उठाती है। कहीं ना कहीं भारतीय टीम उसमें अपने आप को सफल होती नजर दिख रही है। आपको बता दें कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसके जरिए आप अपने आसपास से जुड़े लोगों की समस्याओं को बता सकते हैं। जिसके जरिए आप उस ऐप को डाउनलोड कर उस ऐप के जरिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के टीम तक अपनी खबरों को पहुंचा सकते हैं।